हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए एमसीक्यू स्टैंडर्ड क्लास टेंथ और एमसीक्यू सॉल्व करा रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चंस का देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बताता हूँ, ऑप्शन है बी। अब आप देखिए कैसे आया, तो हमने इसका इसमें यूक्लिड एल्गोरिथम यूज किया, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, एक शेर जैसा बन गया भाई, खिचड़ी बन गई, चलेगा ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स और प्लस थ्री। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी। तो फर्स्ट वाले का जिसने बी किया वो मौज करो, उसका एक नंबर पक्का है भाई, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता देता हूं। पहला ऑप्शन है फर्स्ट, जिसने ए किया उसका बढ़िया है, ठीक है। सॉल्यूशन में देखो किस तरीके से होगा, ये मैंने इधर कर भी रखा है, वापस से बता देता हूं मैं। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो दोनों साइड इक्वल हैं तो इन दोनों को हम सेम ले लेते हैं, बी सी को हम ए सी में चेंज कर देते हैं, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो फिर बाद में क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू टू टाइम ए सी स्क्वायर हो गया ना ए बी, तो ऑप्शन आ रहा है हमारा फर्स्ट, ठीक है, ये मैच हो गया ना। तो जिसने फर्स्ट किया है वो मजे करो, उसका दो नंबर पक्का हो गया भाई। थर्ड क्वेश्चन देखो, द पॉइंट ऑन, थर्ड क्वेश्चन का देखो सेकंड पार्ट, फर्स्ट मैंने सोल्व नहीं किया, मैं इसको बाद में देखता हूं, एक बार पढ़ लेता था। पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, हम एक पॉइंट लेंगे एक्स और वाई, ठीक है, जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, पहले डिस्टेंस इससे निकालेंगे और फिर इससे। तो ये वाला क्वेश्चन आप करके मेरे को आंसर इसका कमेंट में बताना, तो मेरे को पता चलेगा आपने देखा है कि नहीं। मैं इसका और वाला आपको करा देता हूं, ठीक है। इसका और वाला देखो, सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने और वाला कराया, ठीक है। द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज पॉइंट डायमीटर ये और ये, देखो सर्कल हो गया और सर्कल के डायमीटर के दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसका सेंटर बताना है हमें, ठीक है। तो सेंटर क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे और टू से डिवाइड करेंगे, तो देखो ये कर रखा मैंने माइनस सिक्स प्लस सिक्स बाई टू, ठीक है, तो क्या आ गया जीरो बाई टू यानी जीरो, तो जीरो एक ही में है तो आगे वाला निकालना ही नहीं पड़ेगा हमें, सी वाला ऑप्शन पे टिक कर दो, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ के विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, अगर टू इक्वल रूट्स होंगे तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा, डिस्क्रिमिनेंट समझते हो ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे, तो के की पावर टू माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या है टू और सी की भी क्या है टू, ठीक है, ये वैल्यू इक्वल रख के जीरो कर देंगे, तो के स्क्वायर इज इक्वल फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, और के इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस फोर, ठीक है, तो आप फोर ले सकते हो, तो फोर वाला ऑप्शन कौन सा है बी, ठीक है, तो प्लस माइनस फोर वाला आ गया अपना ये प्लस माइनस समझ गए ना, रूट की वजह से आएगा क्योंकि के स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन, और टेकिंग रूट करेंगे तो प्लस माइनस में फोर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आपका प्लस माइनस फोर आया तो ये नंबर भी पक्का, चार नंबर पक्के हो गए, क्वेश्चन नंबर पांच में पहुंच जाते हैं भाई। तो देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी, इनमें से कौन सा एपी में नहीं है, ठीक है, तो देखो सी वाला नहीं है, मैंने सोल्व करके देखे हैं, ठीक है, कैसे आप इनके कॉमन डिफरेंस निकाल लो, इक्वल नहीं आ रहे, इसका भी इसका भी इसका भी, लेकिन इस इसका सिर्फ कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, मतलब इक्वल नहीं आ रहा, और बाकी सबके इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, ये तो हो गया मतलब नॉट इन एपी, तो ये एपी में नहीं है, समझ गए, सी वाला एपी में नहीं है और इनका सबका कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इस इसका नहीं आ रहा सी वाले का, तो हम ऑप्शन करेंगे सी, ठीक है। सिक्स देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन दी हुई है हमें और बोल रहा है इनकंसिस्टेंट होंगी क्या या कंसिस्टेंट होंगी, तो ऑप्शन मैंने पहले ही टिक कर दिया था, इसका आंसर आएगा इनकंसिस्टेंस, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल बन रही है आपस में, आप इनको सॉल्व करोगे ना तो ये कौन सी कंडीशन बन रही है, पैरेलल बन रही है, कैसे निकालोगे, वही हम जो पहले करते थे, ए वन अपॉन ए टू इक्वल है बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू आता है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है इसका मतलब, हम मतलब ये वाले फॉर्मूले अगर आपको याद है तो मैंने कल वाले क्वेश्चन में भी बताया था, अगर ये पता है तो आपको इसको आप सोल्व कर सकते हो इजीली, तो ये इनकंसिस्टेंट आएगा इसका। फिर सेवंथ वाले का ऑप्शन देखो भाई, रेडियस, देखो भाई पी क्यू क्या है, एक टेंजेंट है,
ये रहा हमारे को टेंजेंट दिया हुआ है टू द सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है एट अ पॉइंट बी, बी पॉइंट पे इफ एंगल ए ओ बी। अब देखो ए ओ बी ये वाला एंगल 100 दिया हुआ है, तो अंदर के ये वाले एंगल कितने बच गए भाई, ये वाले एंगल देखो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस है, तो रेडियस है तो कितने बच गए 40 40, ये वाला कितना आ गया 40, ठीक है, और ये पूरा कितना होता है 90, तो 90 में से 40 गया कितना बचा 50, ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो गया ए यानी 50 डिग्री, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 आया उसका सही है, एक नंबर पक्का है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने पहले ही ऑप्शन सारे टिक कर दिए भाई, तुम्हारे आंसर है सी, ठीक है। अब है कैसे, द रेडियस ऑफ द स्पेयर हुज वॉल्यूम इज, ये रेडियस ऑफ स्पेयर जिसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है ये, तो हम क्या करेंगे 4/3 πr³, ठीक है, और इसमें आर क्यूब करेंगे तो वैल्यू बाकी की पुट कर देंगे और हमारा आएगा 36/4, और फिर काट काट पीट के आप लास्ट में आर की वैल्यू जो है वो हमारी बनेगी 3^2/3, ठीक है, सॉल्यूशन देख सकते हो आप, ठीक है। ज्यादा डीप में करना है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो हम दोबारा आपको डीप में करवा देंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ये और ये, इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस करनी है, तो सिंपल सा है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, जो सिंपल सा है तो मैं आपको बता देता हूं, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा -m और -m इसका स्क्वायर और प्लस n+m, ठीक है, n+n दोनों n हो जाएंगे इसका स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये रूट में आ जाएगी लास्ट में m² + n², ठीक है, और 2 कॉमन बाहर ले लेंगे, ये हमने पहले से किए हुए भाई, ठीक है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप आगे वाले पेपर की भी तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, इन फिगर 3 जो ये फिगर दिया हुआ है भाई नीचे, फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट P, बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया हुआ P, ये रहा, टू टेंजेंट PQ एंड QR ड्रॉ इन द सर्कल विद रेडियस 4, इसकी रेडियस कितनी है 4, तो बोल रहा है सेंटर O से इफ एंगल QPR, ये वाला एंगल कितना है QPR, ये वाला भी 90 दिया हुआ है हमें और ये 90 होता ही है, ठीक है, तो ये 45 45 हो गए दोनों के, ये भी 45, हाँ तो ये 90 और ये दो दो हो गए, तो मतलब इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, स्क्वायर भी बन रहा है, ये यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90, तो देन द लेंथ ऑफ PQ इज, तो PQ की लेंथ कितनी होगी भाई, देखो दो एंगल 90 डिग्री के बन गए, ये इधर भी और इधर भी, ठीक है, आप दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो या कैसे भी करो, तो ये 90 डिग्री का एक स्क्वायर बनता है, तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी 4, तो इसका आंसर आएगा 4, ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन था, सिंपल ही समझना था, इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी ज्यादा, बस एक स्टेटमेंट लिख सकते थे कि आप ये। अब ये वाले देखो भाई, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, 11th वाला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इज श्योर टू हैपन इज, तो क्या होगी, लेस देन 1 और 1, ठीक है, लेस देन क्या होगी 1, या सिर्फ 1 और 1 लिखो या फिर लेस देन, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। सेकंड में सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ये, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भाई क्या आएगा 10² θ, सोल्व करना पड़ेगा और आपको सोल्व करके पता चलेगा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करा रखे हैं, ये भी करा रखा है, ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, तो ये एक जिस तीनों में से एक पार्ट ये था जो 10² θ इक्वल प्रूव करना था, ठीक है, वहां पे सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब ये दे रखा है ए ओ बी सी इज ए रेक्टेंगल हुज 3 vertices, 1, 2 और 3 vertices हमें दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, चौथा vertices निकालना है, तो देखो इसमें है ना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, ए पॉइंट ये हो गया, बी ये हो गया, सॉरी ए ओ ओ ये हो गया, बी ये हो गया और सी ये हो गया, ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालनी है, तो आप ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर लो या ओ सी की, ठीक है, तो इसकी यूनिट कितनी आएगी 5, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकालोगे तो, ठीक है, किसी भी तरीके से आप निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है तो 5 आंसर आएगा, जिसका 5 आया उसका ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 वाला देखो भाई, द फॉर्मूला ऑफ x बार यानी मीन, तो मीन हमें यह दिया हुआ है, अब हमें क्या निकालना है UI, तो इसका जो UI आया हुआ वो क्या आता है DI/H इक्वल टू करके आप निकालोगे तो XI - A/H ये भी लिख सकते हो, ठीक है, और या फिर DI/H लिख सकते हो, आपने जो भी लिखा है दोनों सही है, ठीक है, अगर और कुछ लिखा है तो आप हमें कमेंट में बताएं ताकि हम उसका एनालाइज करके और दोबारा आपको बताएं कि हाँ भाई सही है या गलत है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आएगा, सिमिलर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर, सर्कल के अंदर सर्कल है तो वो क्या होंगे, सिमिलर टू ईच अदर, क्योंकि रेडियस इक्वल नहीं है भाई उनकी, समझ गए ना, रेडियस अलग अलग है, अगर रेडियस इक्वल होती तो कॉन्ग्रुएंट होते, और रेडियस इक्वल नहीं है तो सारे सर्कल्स आपस में सिमिलर होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3 ... तो हमारा एपी जो बनेगा वो 1, 2, 3, इसमें ए होगा वो 1 होगा और डी जो होगा वो हो जाएगा 1। तो हमको एसएन निकालना है, तो एसएन का फॉर्मूला हम जानते हैं कि एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हमको सब दिया हुआ है, n दिया हुआ है, n हमको फर्स्ट 100 निकालना है, तो 100 बाई 2 2a, a हमको दिया है 2 इंटू 1 प्लस n दिया हुआ था 100 माइनस 1 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 99 बनेगा, और d हमको दिया हुआ है 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा 100 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 99, क्योंकि 99 इंटू 1 99 होता है, तो ये 50 बन जाएगा, और 50 इंटू 101, 99 प्लस 2 101, तो इसका आंसर आएगा 5050, जो कि वो ऊपर वहां पे लिखा हुआ है। सेकंड 17 क्वेश्चन देखिए, सेवनटीन क्वेश्चन में ये ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें ये राइट ट्रायंगल गिवन दिया हुआ है, इसमें हमको ये दिया हुआ है 30 मीटर दिया जो बेस है, और हमको निकालना है एपी, हाइट ऑफ द टावर एबी निकालना हुआ है, तो हमको ट्रिग्नोमेट्री के वो रेशियो निकालना, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के हिसाब से करना पड़ेगा। अब इसमें एबी निकालना है हमको और बीसी दिया हुआ है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, टेन थीटा लगेगा, ऑफकोर्स टेन थीटा लगेगा, टेन थीटा कौन सा, टेन थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री गिवन दिया हुआ है, तो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू ए बी, क्योंकि एच बाई होता है बी, एच हमारा ए बी है और बी हमारा है जो बी सी है, 1/√3 इक्वल टू ए बी, ए बी फाइंड करना है हमको, और बी सी हमको दिया हुआ है 30, तो ए बी क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 30/√3, इसमें से हम अगर कॉमन निकालते हैं कुछ तो 10√3 ऊपर बच जाता है, 10√3 अगर यहाँ से रेशनलाइज करेंगे तो 10√3 यहाँ पे रह जाएगा, अंदर ब्रैकेट में √3, तो √3 से √3 वाला कट जाएगा, तो 10√3 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर 18 क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर, एलसीएम 18 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर के एलसीएम दिए हुए हैं। 18 क्वेश्चन में क्या दिया है, एलसीएम ऑफ टू नंबर, टू नंबर और उसका एचसीएफ भी दिया हुआ है 13, और एलसीएम दिया हुआ है 182, तो हमको पता है हमारा एक रेशियो वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यहाँ पे हम ए इंटू बी ले लेते हैं, जिसमें हमको एक नंबर दिया हुआ है 26, तो हम ए 26 ले लेते हैं और बी हमको निकालना है अदर नंबर, तो एलसीएम क्या है 182 और एचसीएफ क्या है 13, और ए क्या है हमारा 26, तो बी ये तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि बी को इस तरफ रख के और 182 इंटू 13/26 कर देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि 13 2 जा 26 और ये 2 जा 26 और 2 2 9 जा 18 और 2 1 जा 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 91 दूसरा नंबर हो जाएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन देखिए, 19 क्वेश्चन में बोला गया है, 19 क्वेश्चन में बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके दो जीरो दिए हुए हैं -3 और 2, यानी कि हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो हमने पढ़ा था कि जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं एक्स, उसको लिखा जाता है x² - α + β x + α β। अब यहाँ पे हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ, -3 दिया है, तो x² - -3 x + α β 2 दिया हुआ है, तो इक्वेशन बनेगी x² - - प्लस हो जाएगा, तो 3x + 2, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी। एक्स स्क्वायर ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें रिमाइंडर निकाला, इसका रिमाइंडर था, ये अपने आप कर लीजिए और हमको कमेंट में शेयर कर दीजिए कि इसका क्या आंसर आएगा।
अगर नहीं आएगा तो हम बाद में भी इसको बाद में हम इसको बताने की कोशिश करेंगे। और 20 क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी इवेल्युएट करना है, इसको इवेल्युएट करने के लिए हमको इस सबकी वैल्यू पता होना चाहिए, कॉस फॉर 10 45, कॉस 60 और साइन 30। ये हमको मैथ्स की बुक में टेबल में दिया था जो हमको याद करना था। 2 10 45, हमको पता है 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 10 45 यानी कि 2 × 1 इंटू कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, अपॉन साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। तो ये देखिए 2 और 2 तो ऐसे ही कट जाएंगे, ऊपर क्या रह जाएगा 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, 1 × 1 1 1 × 2 बाई 1, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा इसका, जो कि इवेल्युएट में इसका इवेल्युएट में इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा 2। वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो हमको कमेंट करके बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है।